हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सभी सही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम ही एक ऐसा चीज़ है जो आप लोगों को बैक्टीरिया या वायरस से बचा सकता है। तो आइए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर गाइस मेरे इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल हमेशा रहता होगा कि कैसे हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सके। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हूँ कि कुछ इम्यून बूस्टर फूड्स है, मतलब कुछ इम्यून बूस्टर खाने का चीज़ें हैं जिसको आप लोग खाकर अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है साइट्रस फ्रूट्स, मतलब है कि जो खट्टे चीज़ें होते हैं, जैसे कि आप लोगों को लेमन्स मतलब नींबू होता है, ऑरेंज मतलब संतरा होता है, उसको आप लोग खाकर अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हल्दी, टर्मरिक हल्दी, उसको आप लोग जितना हो सके फ्रेंड्स आप लोग उसको कच्चा ही खाने की कोशिश करें। जिंजर मतलब अदरक, गार्लिक आप लोगों को पता ही होगा मतलब लहसुन। नेक्स्ट है आप लोगों को एग्स मतलब अंडे, ग्रीन वेजिटेबल मतलब हरा सब्जी, घी। घी ऐसा चीज़ है जो आप लोगों का इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आप लोगों का इम्यून सिस्टम को बढ़ा देगा। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ कि विटामिन सी किस किस चीज़ों में पाया जाता है। जैसे कि विटामिन सी आप लोगों को मैंने पहले बताया कि लेमन मतलब जो नींबू होता है, नींबू एक खट्टा चीज़ है, वो उसमें आप लोगों को विटामिन सी मिलता है। आमला सबको पता ही है, जो ऑरेंज संतरा, पपाया, पपीता, पाइनएप्पल, कीवी, गुआभा, इन चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी आप लोगों को फैटी फिश मतलब जिस मछली में जिसमें ज़्यादा फैट्स हो उसमें विटामिन डी पाया जाता है। इसका बाद आता है फिश ओलिवर ऑयल, मतलब ये जो तेल है, ये जो मछली है मछली के तेल से बनाया जाता है। सनरेज आप लोगों को पता है कि जो विटामिन डी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को जो सनरेज है मतलब जो सूर्य के किरणें हैं उनसे मिलता है विटामिन डी। उसके बाद आता है एग योक, मतलब जो अंडे का पीला पोर्शन होता है अंदर में, उससे विटामिन डी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों विटामिन ई, जो सनफ्लावर ऑयल होता है या सोयाबीन ऑयल होता है उसमें विटामिन ई रहता है। आलमंड आप लोगों को सबको पता है कि जो बादाम होता है उसमें विटामिन ई होता है। पीनट आप लोगों को पता है मूंगफली में होता है। और ग्रीन वेजिटेबल्स हरे सब्जी में भी विटामिन ई होता है। और एक दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप लोगों को अगर अपने शरीर को ठीक रखना है तो प्लीज़ डेली आप लोग 1.5 लीटर से 2 लीटर पानी डेली पिए। ठीक है दोस्तों, इससे आप लोगों का शरीर हाइड्रेटेड रहेगा, शरीर मजबूत रहेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग विटामिन सी आप लोगों को सिरप में भी मिल जाता है, मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, और विटामिन सी जो टैबलेट में भी अवेलेबल है, और विटामिन डी भी आप लोगों का टैबलेट में भी अवेलेबल है, और विटामिन ई भी आप लोगों को मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। आप लोग वहां से भी खरीद के आप लोग खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जो मेरा नया वीडियो आए आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल, कीप सपोर्टिंग एंड कीप मोटिवेटिंग मी। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू गाइस।